मैं जो आज आपसे बात करना चाह रहा हूं, उसका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ और उनका इत्तेहाद और उनका खुफिया ताल्लुक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप या तालिबान के साथ। कुछ अरसे पहले की बात है, तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गया, कि एक वीडियो आई थी यूट्यूब पर, जिसमें दिखाया गया था कि जनाब जो कराची के मेयर थे उस वक्त के, मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो किसी महफिल में बिल क्लिंटन साहब से नवाज शरीफ के बारे में शिकायत कर रहे थे। वो नवाज शरीफ के बारे में क्लिंटन साहब को कह रहे थे कि नवाज शरीफ जो है वो बगैर दाढ़ी के तालिबान है। उस पर बहुत लोगों ने इतराज़ किया था कि भाई ये मुस्तफ़ा कमाल साहब को ये गैरों से शिकायत करने की क्या ज़रूरत थी, कोई अगर मसला था तो वो पाकिस्तान में ही है इस चीज़ को का प्रचार करते और लोगों से कहते ये बात। तो उन लोगों का ये सबसे बड़ा एतराज़ था कि उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब ने नवाज शरीफ साहब की शिकायत गैरों से क्यों की थी। मेरा मौक़िफ़ ये था उस ज़माने में भी और अभी भी यही है कि भाई देखें, जो शरारती बच्चे होते हैं उनकी शिकायत हमेशा उनके बाप से करनी चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि वो बाप जो है ना, वो शरारती बच्चे का जो है वो कान पकड़ करके वो उसको फिर सही करने की कोशिश करता है। अब अगर आप मोहल्ले में किसी और से शिकायत करें, भले आपकी शिकायत जायज़ भी हो, तो भी उसका उतना अच्छा असर नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बिल्कुल उसी उसूल पर काम किया था कि शरारती बच्चों की शिकायत हमेशा उनके बाप से करनी चाहिए। अब देखने की कोशिश ये करते हैं, समझने की कोशिश ये करते हैं कि आया वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, ये लोग बगैर दाढ़ी के मुल्ला और एक्सट्रीमिस्ट हैं, बगैर दाढ़ी के तालिबान हैं। तो इसका एक हल्का सा सबूत तो शहबाज शरीफ साहब ने अभी इसी हफ्ते एक तकरीर करते हुए उन्होंने दिया। आइए सुनते हैं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि तालिबान के मौकिफ को जिस पार्टी ने अपनाया है उसके खिलाफ तालिबान को हमले नहीं करने चाहिए। वो शहबाज शरीफ साहब तालिबान से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जिस पार्टी ने तालिबान के मौकिफ को अपनाया है उसके खिलाफ तालिबान को हमले नहीं करने चाहिए। तो भाइयों, इससे ये बात साबित हो गई कि जो बात मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 2-3 साल पहले क्लिंटन साहब को कहा था और शिकायत लगाई थी,
वो बिल्कुल सही शिकायत लगाए थे। अब आप लोग अपने आँखों को खोलें और जो आप लोगों ने गलती की है 2008 में इस मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को वोट दे करके, अगर आइंदा करीब में कोई इलेक्शन आता है तो उसमें अपने गलती की तसदीक कर लें। थैंक यू।